प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर सहारनपुर में सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को भी सौंपा। इस दौरान धरने में जिला अध्यक्ष संदीप पवार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार यादव, जिला मंत्री अरविंद कुमार सहित भारी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश पर और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ने महसूस करते हुए कि सभी प्राथमिक शिक्षकों की जो पुराने पेंशन की मांग है, मेनली हमारा धरना उसी बात के ऊपर है और ये धरना आज नहीं, लगभग पिछले 3-4 सालों से लगातार सरकार से, बीच में कोविड वाला टाइम रहा तो बंद हो गया। हमारा कहना ये है कि जब सरकार के बहुत सारे उपक्रमों में आज भी पुरानी पेंशन लागू है, सेना में आज भी पुरानी पेंशन लागू है, खुद सांसद और विधायकों की पुरानी पेंशन लागू है, तो जब 60 साल एक कोई भी शिक्षक सेवा दे के जाएगा 62 साल के बाद में, तो उसकी जीविका कहाँ से चलेगी यदि उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मांग नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर धरना दिया जाएगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा। मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना यह है कि लगभग 40 साल तक सरकार या 35 साल तक सरकार अपना 14% दे रही है, तो क्यों नहीं वो आफ्टर रिटायरमेंट 50% शिक्षकों को दे देंगे, जिससे शिक्षक का भी अपना परिवार चलता रहे, उसका भी सम्मान बचा रहे और सरकार के पे भी बोझ कम पड़े। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंचकर गरीब व असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने उनकी लंबी उम्र की कामना भी की, जिसके बाद उन्होंने सभी लोगों का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान प्रदेश सचिव चौधरी धीर सिंह, पार्षद आसिफ सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है। राष्ट्रीय लोकदल गरीबों को बीच आकर उनको मिठाई खिलाकर कंबल वितरित करके आज बड़े सौहार्द से सहर्ष उनका जन्मदिन मना रही है। गरीबों से हम ये आशा करते हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी के उज्ज्वल भविष्य, उनकी राजनीतिक तरक्की देने के लिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये गरीब असहाय लोग जो इनकी दुआ जो काम आ सकती है वो किसी की काम नहीं आएगी। हम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ और माननीय चौधरी जयंत जी को आशीर्वाद देने के लिए आज गरीब गुरबाओं के बीच में, असहाय लोगों के बीच में आए हैं। इन्हें कंबल वितरित किया है और मिष्ठान वितरण किया है। इन्हीं के लिए इनसे ये हम दुआएं चाहते हैं कि वो जयंत चौधरी जी के उज्ज्वल भविष्य के लिए दुआएं करें। समाजवादी पार्टी देहात विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व MLC व पूर्व राज्य मंत्री आशु मलिक का पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, जिसको संबोधित करते हुए आशु मलिक ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन के संयोजक मजाहिर हसन मुखिया ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जैसे ही हमने एंट्री की, जो ऐतिहासिक स्वागत मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ तक हुआ है, उसके लिए हम तमाम एक एक साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए जनता की लड़ाई लड़ रही है, निश्चित ही 2022 में जिस तरह से जन सैलाब लेकर गाजीपुर से और लखनऊ तक हम उसके साक्षी रहे और हमने देखा सड़कों पर जो जन सैलाब है बदलाव का, वो साफ नज़र आ रहा है कि 2022 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप लोगों को पता ही नहीं चला उन मुद्दों में कि दाल कब 200 रुपये हो गई, तेल कब 200 रुपये से ऊपर पहुंच गया,
जनता पूरी तरह से परेशान है और इस तानाशाही सरकार को हटाना चाहती है और ये जनता अपना मन बना चुकी है कि प्रचंड बहुमत में इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में वापसी करने जा रही है। गोटे शाह की चुंगी स्थित प्राचीन सीध पीठ बाबा गोटेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा एवं भू माफियाओं के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही के द्वारा FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर सोमवार को सहारनपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए भू माफियाओं पर कार्यवाही की मांग की। बाबा गोटेश्वर महादेव के सम्मान में हर हिंदू मैदान में भारत माता की।